देगा, थोड़ा थोड़ा ही घूम रहा है, देखो ये इसको थोड़ा घुमा के देखेंगे अपना। हाँ देखो ये चल गया। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग होने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने घर पे एक्वेरियम रखे हुए हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और बहुत सारे पेट का पेरेंट्स टेलोन आप सबका पेट्स योर बीएफएफ चैनल पे स्वागत करता हूँ। मेरे एक्वेरियम में ना मैंने एक बड़ा सा टॉप फिल्टर बनाया हुआ है। तो वो टॉप फिल्टर ना यार काम नहीं कर रहा। एक्चुअली वो क्या है कि जब वो बहुत गंदा हो जाता है ना फिल्टर, तो वो उसकी जो मोटर रहती है वो काम करना बंद कर देती है। तो अभी उसको निकालना पड़ेगा एक्वेरियम के अंदर से। तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए ब्लॉग बना दिया जाए और आप लोग को मेरा एकदम कैनिस्टर जैसा बनाया हुआ, खुद से बनाया हुआ फिल्टर दिखा दिया जाए। कि अगर आप लोग चाहो तो ऐसा एकदम कैनिस्टर टाइप फिल्टर आप घर पे भी बना सकते हो होममेड चीज़ें यूज़ करके। तो यार एक्वेरियम के एक फिल्टर के अंदर होता क्या है, उसके अंदर एक्चुअली तीन मीडिया रहते हैं। ओके, तीन मीडिया जिसमें से सबसे पहला बायोलॉजिकल मीडिया गाइस। ओके, उसके बाद फिर आता है मैकेनिकल मीडिया और सबसे लास्ट में आता है केमिकल मीडिया। अभी बायोलॉजिकल मीडिया क्या करता है कि आपके एक्वेरियम के अंदर के जो नॉन हार्मफुल बैक्टीरिया है उन सभी बैक्टीरिया को संभाल के रखता है एक्वेरियम के अंदर। तो अपने क्या है गाइस कि वो बायो मीडिया को कभी चेंज नहीं करते उसको, जब तक तो आपके एक्वेरियम की लाइफ है तब तक एक्वेरियम के अंदर ही रहने देना पड़ता है। उसके अंदर क्या है कि बेनिफिशियरी बैक्टीरिया रहते हैं। ओके, तो उनको तो चेंज करते नहीं, तो वो बायो मीडिया ना मैंने मेरे टैंक के अंदर ही डाल दिया डायरेक्ट, उसको फिल्टर के अंदर रखना ज़रूरी नहीं है। तो वो बायो मीडिया टैंक के अंदर ऐसे ही नीचे पड़े रहते हैं फ्लोर पे। मैं आपको दिखाऊंगा जब टैंक का टूर दूंगा आपको। उसके बाद आता है गाइस मैकेनिकल मीडिया। मैकेनिकल मीडिया में क्या रहता है, ये स्पॉन्ज, फिर वो अपने जो ऐसे टैंक का वाटर क्लियर करते हैं दोस्तों। ओके, तो स्पंज हो गया या कुछ भी ले लो, और मैंने क्या रखा है वो आपको अभी दिखाता हूँ। उसके बाद आता है केमिकल मीडिया। तो केमिकल मीडिया आपको क्या करता है दोस्तों कि आपके टैंक के जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, ओके, बायोलॉजिकल नॉन हार्मफुल करता है, केमिकल मीडिया हार्मफुल बैक्टीरिया रिमूव करता है जिससे कि आपके टैंक को नुकसान है। तो चलो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको ले चलता हूँ मेरे एक्वेरियम फिल्टर की ओर और आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे कैसे करके वो एक्वेरियम फिल्टर सेटअप किया है। पहले तो गाइस मैं ये मोटर वाटर पंप जो है वो चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ये गाइस इसमें यही बिगड़ता है। तो अगर ये बिगड़ा होगा तो ये मुझे पास की दुकान से नया खरीद के लाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वाटर पंप कुछ इस प्रकार का रहता है, जिसको हम ना इधर से खोल सकते हैं पूरा। तो मैं तो क्या करता हूँ, ये काफ़ी बार ऐसे जाम हो जाता है गाइस, इसके अंदर सादा सिंपल मैग्नेट ही आता है सिर्फ। एक मिनट फ्लैश ऑन कर देता हूँ, ये देखो ये इसके अंदर सिर्फ एक मैग्नेट जैसा आता है जिसको यहाँ से ऐसे घुमाते हैं तो ये खुल जाता है। ये खुलता है, ये जो अंदर जकड़ी जैसा लग रहा है आपको, ये भी बाहर निकल आता है। इसको भी ऐसे खींच के बाहर निकल देते ये थोड़ा। हाँ ये देखो, ये जो मैग्नेट है ना गाइस, ज़्यादातर ये पंप वाटर पंप के अंदर ये मैग्नेट ही बिगड़ जाता है, और इसको इसके अंदर कॉइल रहती है। तो कॉइल ये क्या ऐसा ही इतना खुलता है, इसको पानी के अंदर थोड़ा साफ करके मैं सूखा के ट्राई करता हूँ ना, ऐसे ब्रश ले लेते हैं आपके पास पुराना पड़ा हो तो। एक
उसको ऐसे कंप्लीट साफ करके थोड़ा सुखा के मैं चलाता हूँ तो चल जाता है भाई। ऐसा काफ़ी बार किया हुआ है मैंने, इसीलिए पहले इसको साफ करके कंप्लीट चेक कर लेते हैं कि अगर यही चल जाए तो 2-3 महीने निकाल देता है गाइस। अगर नहीं चला तो फिर नया लेके आ जाएंगे। कुछ महंगा नहीं आता गाइस, 100-150 रुपये का, 100-150 के अंदर पंप आ जाता ही है, तो बस इतना ही साफ करना रहता है इसके अंदर। तो गाइस अपना ये वाटर पंप साफ करके हो गया है, तो इसको जैसा था ऐसा फिर से फिट कर देते हैं अभी। तो ये जो पिन रहती है इसके अंदर ऐसे, फिर ये पूरा मैग्नेट ना ये ऐसे डाल देते हैं अभी वापिस जैसे था, थोड़ा प्रेस करके फिर इसको ना ये फिट किए बिना ही पहले लग इन करके चला के देख लेते हैं गाइस, चलता है कि नहीं चलता। तो यार ये पंप हमने इधर रख दिया इधर इसके ऊपर, इधर से इसका पावर हमने ये हमारे बाथरूम के अंदर स्विच बोर्ड है उसमें दे दिया। तो इसको ना गाइस अपने गीले रहते हैं ना तो ऐसे हाथ में पकड़ के टेस्ट नहीं करते, इसीलिए मैंने इसको इधर इसके ऊपर रख दिया। अभी स्विच चालू करते और देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखा थोड़ा ही घूम रहा है, देखो ये इसको थोड़ा घुमा के देखेंगे अपना। हाँ देखो ये चल गया, तो देखा गाइस थोड़ा सा साफ करके इसको चलाया तो अपने आप चलने लग गया वो। तो थोड़ा क्या वो मैग्नेट जाम हो जाता है अंदर इसलिए बंद हो जाता है, फिर से एक बार देख लेते हैं चालू करके। वाओ देख लीजिए, तो चलो अच्छा है गाइस, अपने को ये पंप तो अभी नया नहीं लाना पड़ेगा, इसी से काम चल जाएगा। तो बढ़ते आगे वीडियो की ओर। ये है मेरा केमिकल मीडिया, इसके अंदर ना मैंने पत्थर और एक्टिवेटेड कार्बन सब डाला हुआ है, जो सबसे आखिरी मीडिया रहता है फिल्टर के अंदर का। तो आप देख लीजिए इसको ऐसे बैग के अंदर पूरा पैक करके रखा हूँ, इसको मैं फिल्टर के अंदर कैसे रखता हूँ वो भी आपको आगे दिखाऊंगा। अभी फिलहाल इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ये देखो इधर सब जो काला काला निकल रहा है ना, ये सब मेरे केमिकल मीडिया है, एक्टिवेटेड कार्बन डाला हुआ है मैंने इसके अंदर, तो इसीलिए पूरा सब काला काला निकल रहा है छोटा छोटा। ये ना आपको कोई भी आरओ वाला, आरओ की शॉप रहेगी ना गाइस उधर मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा ऐसे रिंस कर देते पहले। और ये फिल्टर तो गाइस मैंने एक आध महीने, देखो कितना काला कर रहा कार्बन निकल रहा है देखो। तो ये हो गया अपना केमिकल मीडिया। तो दोस्तों उसके बाद बारी आती है अपना ये मैकेनिकल मीडिया की। तो मैकेनिकल मीडिया के अंदर ना मैंने ऐसे जो नहाने के स्पंज आते हैं आपको किसी भी मॉल में और कहीं पे भी मिल जाएंगे, ऐसे ढेर सारे स्पंज इकट्ठा कर लिए। इसका एक लेयर बनाता हूँ और उसके ऊपर फिर ये बर्तन धोने के जो स्कॉच ब्राइट आता है अपना, उसका भी मैं ढेर सारे स्पंज लेके आ गया हूँ। तो ये स्पंज भी अपना ना मैकेनिकल मीडिया का काम करते हैं गाइस। तो चलो पहले इसको भी धो लेते हैं अच्छे से, फिर मिलते हैं आपको आपके साथ आगे की वीडियो में। ये मैकेनिकल मीडिया साफ होने के बाद बारी आती है अभी ये इसके अंदर के बकेट के अंदर जो मैंने डाला है उसकी, ये भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो पहले मैं इसको धो लेता हूँ अच्छे से, फिर आपको बताऊंगा असेंबल कैसे करना है। तो देखिए जरा, एक महीने पहले ही मैंने फिल्टर को धोया था, फिर भी टैंक में से कितनी गंदगी निकली है वो देखिए। ये कितना मस्त साफ करता है ये फिल्टर,
देखो कितनी सारी गंदगी है, तो ये कितना इफेक्टिव फिल्टर है ना गाइस, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। Don't wanna move like that. Where you wanna go?